नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैशाली। आज हम सीखेंगे सोयाबीन से बनी हुई मिस्सी रोटी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है। वैसे तो बच्चे सोयाबीन खाते नहीं हैं, तो क्यों ना हम इस तरीके से उनको ये खिलाएं। इस रोटी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो देखते हैं हमें ये रोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सोयाबीन मिस्सी रोटी या फिर सोयाबीन पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन का आटा। हमने ये कल सोयाबीन मिल्क बनाया था, उसमें से जो बचा हुआ सोयाबीन का गुटा है हम वो लेंगे। ये हमने लगभग लिया है एक कटोरी। इसमें हम डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा और 1/4 कटोरी बेसन या चिकवे फ्लावर। उसमें डालेंगे हम लोग जीरा पाउडर, एक रफली ग्राउंड जीरा पाउडर है, ये हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून। फिर 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर या हल्दी, नमक स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून लिया है, अजवाइन या कैरम सीड्स ये लेंगे हम लोग 2 टीस्पून और आवश्यकता अनुसार तेल ऑयल। मिस्सी रोटी बनाना शुरू करते हैं। अब हम ये सोयाबीन के गुटे में ये आटा डाल देंगे। फिर हम डालेंगे ये बेसन, डालेंगे सारे मसाले, जीरा पाउडर डाला हमने, लाल मिर्च पाउडर भी डाला, हल्दी, नमक और अजवाइन। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हमने कल सोयाबीन का मिल्क बनाया था उसका जो गूथा बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी है, मॉइस्चर है, तो हम पहले आटा और बेसन को उस मॉइस्चर के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर आवश्यकता अनुसार पानी डाल के हम इसका आटा गूंथ लेंगे। ये हमारा सोयाबीन का आटा तैयार है। ये देख सकते ही बहुत लूज आटा नहीं है, ये थोड़ा कड़ा ही आटा है। अब हम इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। आटे का एक पेड़ा ले लीजिए और थोड़ा सा सूखा हुआ आटा हम इसमें डालते हैं, अच्छे से हल्के हाथों से दबाते हैं। अब इसको रोल करेंगे। सोयाबीन के कारण इसके एजेस इसे क्रैक हो जाते हैं, तो आप हाथ से करेक्ट कर सकते हैं। ये रोटी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर से, इसे हमें पराठे की तरह सेकना है और ऐसे हम लोग इसको तवे पे ट्रांसफर कर देंगे। तवा हमारा ऑलरेडी गर्म हो रहा है, तेल वाली साइड हमने नीचे रखी है। अब हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। अभी इसका कलर ऊपर से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब हम उससे ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, पलट देंगे। अब इसी तरह से हम इसे दोनों बाजू से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब ये रोटी हमारी दोनों साइड से अच्छे से पक गई है। अब हम इसको तवे से निकाल देंगे और इसी किसी भी सब्जी के साथ या फिर अचार के साथ आप सर्व कर सकते हैं। रोटी में हमने सोया मिल्क से बने बचे हुए ग्रैन्यूल्स यूज किए हैं, उसका भी यूज़ हो जाता है और सारे प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं और इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। मुझे आशा है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ऐसी अनेक यूजफुल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी आने वाली रेसिपीज़ का। धन्यवाद।